बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आई एम मोहम्मद उस्मान अली और मैं टीचर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे आइए स्टार्ट करते हैं जी स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.1 प्रॉब्लम नंबर थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच ऑफ दीज आर इनफाइनाइट स्टूडेंट्स फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आज हम एक नई डेफिनेशन पढ़ेंगे स्टूडेंट्स ऐसे सेट जिनको हम काउंट कर सकें दे आर फाइनाइट सेट और ऐसे सेट जिनको हम काउंट ना कर सकें दे आर इनफाइनाइट सेट इसकी बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है कि सर के बालों को अगर हम काउंट करना चाहें तो इनकी मजीद नशरुमा होती रहती है मजीद बाल नए आते रहते हैं तो इनको हम काउंट नहीं कर सकते द सेट ऑफ हेयर ऑन हेड इज अनकाउंटेबल तो हम इसको क्या कहेंगे इनफाइनाइट सेट है लेकिन अगर हम इन्हीं बालों को कटवा के अपने पास जमा कर लें उनको हम काउंट करना शुरू करें तो हम उनको काउंट कर सकते हैं क्योंकि उनमें नई ग्रोथ नहीं होगी तो वो हमारे पास क्या है काउंटेबल सेट है हम उसको क्या कहेंगे फाइनाइट सेट कहेंगे यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम नंबर थ्री के कुछ पार्ट लिखे हुए हैं आइए उनको डिस्कस करते हैं द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास अब क्लास के अंदर हम जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे फाइनाइट कहेंगे इस सेट को हम कहेंगे ये हमारे पास फाइनाइट सेट है नेक्स्ट है दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन थ्री एंड टेन थ्री और टेन के दरमियान फोर फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन इंस भी हम काउंट कर सकते हैं तो ये हमारा क्या है फाइनाइट सेट है नेक्स्ट है स्टूडेंट दी सेट ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन थ्री एंड टेन अब थ्री और टेन के दरमियान रेशनल नंबर दो नंबर थ्री और फोर के दरमियान ही इन्फिनेट रैशल नंबर होते हैं क्योंकि आप कोई भी नंबर ले लें वन बाई टू वन बाय थ्री वन बाई फोर टू बाई थ्री ये सारे के सारे इसमें एग्जिस्ट कर रहे होते हैं पॉइंट्स में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं जो कि काउंटेबल नहीं है तो थ्री और टेन के दरमियान कितने नंबर हैं इनफाइनाइट नंबर हैं तो हम इस सेट को क्या कहेंगे ये भी ये सेट हमारे पास क्या है इनफाइनाइट सेट है नेक्स्ट देखें सेट ऑफ रियल नंबर बिटवीन जीरो एंड वन जीरो और वन के दरमियान बहुत सारे रियल नंबर होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते कोई भी एक नंबर आप डिसाइड करें उससे आगे बहुत सारे नंबर आ जाते हैं तो इसको भी हम क्या कहेंगे इनफाइनाइट सेट कहेंगे नेक्स्ट देखिये दी सेट ऑफ होल नंबर बिटवीन जीरो एंड वन जीरो और वन के दरमियान होल नंबर कौन से होते हैं कोई भी नहीं होता है एम सेट होता है तो एम्प्टी सेट को भी हम क्या कहते हैं फाइनाइट सेट कहते हैं नेक्स्ट देखें सेट ऑफ ऑल लीव ऑफ ट्री इन पाकिस्तान तो स्टूडेंट्स सेम उसी तरह से जैसे मैंने आपको हेयर की एग्जाम्पल दी है दरख्तों के ऊपर जो पत्ते हैं वो भी नई ग्रोथ होती रहती है हम इनको काउंट नहीं कर सकते अगर तो ये सूख के गिर गए सारे खत्म हो जाए नए पत्ते उगना बंद हो जाए तो हम इनको काउंट कर सकते हैं अदरवाइज हम इनको काउंट नहीं कर सकते क्योंकि हर आने वाले दिन के साथ नए पत्ते उगते हुए आ रहे हैं नए आते जा रहे हैं तो स्टूडेंट्स सेट ऑफ ऑल लीव्स Of in Pakistan, ये क्या है तो उसका पावर सेट क्या होगा वो भी हमारे पास क्या होगा इनफाइनाइट होगा तो ये क्या है हमारे पास ये भी सेट इनफाइनाइट सेट है नेक्स्ट देखें वन टू थ्री अप टू सोन टेन करोड़ तक हमारे पास सेट है तो हमारे पास टर्मिनेट हो गया है लास्ट नंबर हमें पता है कि कहां तक जा रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे finite कहेंगे, ये हमारे पास जब हम स्केयर खत्म करेंगे तो ये आएगा एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्सटीन का स्केयर रूट एंड प्लस माइनस के साथ तो so के अंदर माइनस आ जाए तो वो क्या बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है जबकि उसने हमें किस में आंसर पूछा है उसने हमसे आंसर पूछा है रियल नंबर में तो इसका आंसर क्या है एम सेट है तो एम सेट क्या होता है अगेन फाइनाइट सेट होता है क्लियर नेक्स्ट है x एक्स डेट x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर एंड एक्स केक्वल टू फाइव जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा स्केयर रूट फाइव प्लस माइनस के साथ तो ये हमारे पास एक रेशनल नंबर नहीं है बल्कि इरेशनल नंबर है और यहाँ पर देखिए उसने हमें से आंसर किस में पूछा है रेशनल नंबर से तो पूछा है तो यहां पे इसका आंसर क्या आएगा एम सेट आएगा अगेन ये क्या होगा एम सेट एक फाइनाइट सेट होता है नेक्स्ट देखें सच बिलोंग्स टू नंबर एंड और के भी शामिल है वन भी शामिल है और इनके दरम्यान वाली सारी वैल्यूज भी शामिल हैं तो जीरो और वन के दरमियान रेशनल नंबर में कितने नंबर्स होते हैं इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं तो सेम इसी तरह से ये हमारे पास क्या बन जाएगा इनफाइनाइट सेट बन जाएगा स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट जो है वो आपके लिए होमवर्क है अपने खुद से उनको सॉल्व करना है आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जी स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर फोर है राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट के बारे में हम डेफिनेशन पढ़ के आए हैं प्रॉपर सबसेट जो कि अपने ही सेट के इक्वल ना हो उसको हम क्या कहते हैं प्रॉपर और अगर वो अपने ही इक्वल हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं इनप्रॉपर सबसेट कहते हैं अब देखें यहाँ पे मैंने दो प्रॉपर सबसेट लिखने हैं नंबर वन ए बी क्या ये इसका सबसेट है बिल्कुल है इसके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे गिवन दिए गए क्वेश्चन के, के एलिमेंट्स को मीट कर रहे हैं सारे के सारे उसमें पाए जा रहे हैं लेकिन इसमें एक ऐसा एलिमेंट है जो इसमें नहीं है तो ये इक्वल नहीं है तो हम इसे क्या कहेंगे ये क्या है प्रॉपर सबसेट है इसी तरह से इसका हमने सेकंड लिखना है तो ये बन जाएगा बी सी ये भी हमारे पास क्या है इसका प्रॉपर सबसेट है नेक्स्ट देखें सेट ऑफ नेचुरल नंबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में एक मैं ले लेता हूं वन थ्री फाइव सेवन नाइन अप टू सोन तो ये क्या है सेट ऑफ ऑड नंबर्स ये हमारे पास क्या है नेचुरल नंबर का सबसेट है ठीक है इसी तरह से सेकंड इसका सबसेट ले लेते हैं टू फोर सिक्स एट टेन अप टू सोन तो ये हमारे पास क्या है सेट ऑफ इवन नंबर है ये भी क्या है सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सबसेट है नेक्स्ट देखें सेट ऑफ नंबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी आते हैं है, है. तो आप लिख सकते हैं नंबर वन नंबर वन सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये इसका सबसेट है नंबर टू सेट ऑफ इंटीजर्स ये भी आप लिख सकते हैं ये भी इसका क्या है सबसेट है इसके अलावा आप इस तरह से भी लिख सकते हैं देखें आप लिख सकते हैं जी नंबर वन जीरो इसमें आता है वन बाय टू इसमें आता है टू बाय थ्री इसमें आता है फाइव बाय फोर इसमें आता है तो ये आपने एक सेट बना लिया ये भी इसका सबसेट है इसी तरह से नंबर टू देखें रेशनल नंबर है हम इसी तरह लिख सकते हैं माइनस थ्री बाय टू माइनस फाइव बाई थ्री माइनस सेवन बाय फोर ये भी क्या है इसका प्रॉपर सबसेट है। क्लियर जो मर्जी आप एग्जांपल देना चाहें आप इसकी एग्जांपल दे सकते हैं नेक्स्ट देखें सेट ऑफ रेयल नंबर सेट ऑफ रेयल नंबर में नंबर वन सेट ऑफ रेयल नंबर की डेफिनेशन से हम ले लेते हैं रैशनल नंबर एंड नंबर टूर इरेशनल नंबर सेट ऑफ रियल नंबर में रैशनल नंबर भी पाए जाते हैं और इ नंबर भी पाए जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होते तो ये हमारे पास क्या है दो प्रॉपर सबसेट हैं ये रियल नंबर के इक्वल नहीं होते इसी तरह से आप ये भी लिख सकते हैं इसी में कि इसमें हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर भी होता है नंबर वन सेट ऑफ नेचुरल नंबर आप कह सकते हैं नंबर टू सेट ऑफ होल नंबर दे सकते हैं एंड सेम उसी तरह से जैसे मैंने आपको प्रीवियस पार्ट की एग्जाम्पल है उस तरह से कुछ नंबर के हवाले से भी आप इसके दो प्रॉपर सबसेट बना सकते हैं क्लियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें सेट ऑफ होल नंबर सेट ऑफ होल नंबर में सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स भी हैं सेट ऑफ इवन नंबर भी हैं सेट ऑफ नंबर्स भी हैं देखें यहाँ पे मैं लिख लेता हूं टू थ्री फाइव सेवन इलेवन थर्टीन सेवनटीन अप टू सोन तो ये क्या है प्राइम नंबर्स का सेट है ये भी इसमें कंटेन करता है इसी तरह से इसका मैं सेकेंड एग्जाम्पल दे देता हूँ ये हमारे पास है जी वन थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन सोन सेट ऑफ ऑड नंबर लिखा है ये भी क्या है इसका प्रॉपर सबसेट है जरूरी नहीं है आप इनफाइनाइट सेट को ही इसके प्रॉपर सबसेट में ले सकते हैं आप इसको यहाँ पे खत्म कर दें यहाँ पे ये यह हमारे पास खत्म हो गया फर्स करें इसमें एक और एलिमेंट है थर्टीन तो ये भी हमारे पास क्या है इसका प्रॉपर सबसेट ही है नेक्स्ट देखें एट एक्स सच देट एक्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर एंड एक्स लाइज जीरो से ग्रेटर है और टू से लेस है जीरो शामिल नहीं है लेकिन टू शामिल है तो इसको मैं प्रॉपर सबसेट इसका लिखता हूँ इसी फॉर्म में x x सच बिलोंग्स टू नंबर क्योंकि हम जानते हैं जीरो दरमियान इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करते हैं सिंपल अगर आप वन लिख देंगे तो वो भी इसका प्रॉपर सबसेट है अगर आप सिर्फ टू लिख देंगे वो भी इसका प्रॉपर सबसेट है अगर आप वन बाय टू लिख देंगे वो भी इसका प्रॉपर सबसेट, सबसेट है मैं सिंपल किसी और वजह से लिख रहा हूं मैं इसको प्रॉपर जिस तरह उसने क्वेश्चन दिया है हमें सेट बिल्डर नोटेशन में मैं सेट बिल्डर नोटेशन में लिख रहा हूं वन से ग्रेटर एंड टू से स्मॉलर ना ही वन शामिल है ना ही टू शामिल है इनके दरम्यान वाली सारी वैल्यूज शामिल है इसी तरह से सेकेंड इसका देखें एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर एंड क्वल टू वन एंडल टू टू अब इसमें वन भी शामिल है टू भी शामिल है और इनके दरमियान वाली सारी वैल्यूज भी शामिल है तो ये दोनों क्या है इसके प्रॉपर सबसेट है क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है जीरो से और जीरो से वन के दरमियान इन्फिनेट मेनी नंबर होते हैं जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहे क्लियर स्टूडेंट स्टूडेंट इसके जो बाकी पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क है आपने खुद से इसको सॉल्व करना है आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ

स्टूडेंट्स क्या हमारे पास कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो तो आंसर है यस आंसर इज यस तो वो सेट कौन सा है फाइव सेल्फ सेट है फाइ या फिर हम उसको क्या कहेंगे एम सेट या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं फाई ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं फाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम कह सकते हैं यस एम सेट यस और उसके बाद हम कह सकते हैं एम टी सेट एम टी सेट क्योंकि इसका एक ही सबसेट होगा वो क्या है, ही होगा, सेट इट सेल्फ ही है अपना सबसेट होगा और अगर सेट इट सेल्फ अपना सबसेट हो तो वो प्रॉपर सबसेट नहीं होता बल्कि इम्प्रॉपर सबसेट होता है नेक्स्ट देखिए प्रॉब्लम नंबर सिक्स वट इज द डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड दो ब्रेकिट है ए बी अब यहां पर देखें इस सेट के अंदर ये जो बाहर वाली ब्रैकेट्स हैं ये सेट को रिप्रेजेंट करती हैं और इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं दो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे ये बाहर वाली ब्रैकेट है और इसके अंदर जो एलिमेंट है वो कितने हैं एक ही एलिमेंट है और वो क्या है एक सेट दिया गया है सेट के एलिमेंट्स जैसे कि पावर सेट में हम लिखते हैं कि सेट्स हो सकते हैं इसी तरह से यहाँ पे एक सेट दिया गया है इसलिए ये क्या है सिर्फ एक एलिमेंट है फर्स्ट वाला हम लिखेंगे ए बी इसको लिखते हैं ए बी इट हैज टू एलिमेंट्स इट हैज टू एलिमेंट्स एंड सेकंड जो है अब इसमें हमारे पास कितने हैं ये सेट की ब्रैकेट ठीक है ये एक सेट है और इसको मजीद एक सेट में कंटेन किया गया है तो ये जो बाहर वाली ब्रैकेट्स हैं ये सेट को रिप्रेजेंट कर रही हैं इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं एक ही एलिमेंट है तो हम यहां पे लिखेंगे इट हैज ओनली वन एलिमेंट जी स्टूडेंट डिफरेंस पता लग गया दोनों के दरमियान में आइए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं प्रॉब्लम नंबर सेवन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू एंड विच ऑफ देम आर फॉल्स स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके क्वेश्चंस एमसीक्यू की फॉर्म में बोर्ड में भी आते हैं इसलिए बहुत ध्यान से इसको समझना है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले दो बातें मैं बताना चाहूंगा नंबर वन एलिमेंट या मेंबर एलिमेंट या फिर हम उसको क्या कहते हैं मेंबर एंड दूसरा है सेट Strength, एक बात ध्यान में रखनी है अगर बात आएगी एलिमेंट की या मेंबर की तो एलिमेंट या मेंबर जो होता है किसी भी सेट का वो हमेशा क्या, क्या करता है बिलोंग करता है और उसकी नोटेशन होती है ये वाली एलिमेंट या मेंबर हम कहें वो हमेशा क्या, क्या करता है किसी भी सेट से बिलोंग करता है एलिमेंट बिलोंग करता है टू डेट सेट जबकि अगर हम बात करें सेट की तो सेट जो है वो क्या होता है वो सबसेट होता है सेट जो है वो सबसेट ऑफ एनी सेट और सबसेट की नोटेशन हमें पता है कि वो क्या होती है ये हमारे पास सबसेट की नोटेशन होती है तो जहन में रखिएगा अगर सेट कहीं पे रिप्रेजेंट हो रहा होगा तो वो हमेशा क्या करेगा सबसेट होगा और अगर एलिमेंट कहीं पे रिप्रेजेंट हो रहा होगा तो वो क्या करेगा बिलोंग करेगा क्लियर स्टूडेंट्स आइए वन टू एंड टू वन दोनों में सेम एलिमेंट है मैंने आपको बताया था कि हमारे पास अरेंजमेंट जो मर्जी हो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो अगर सेम है तो हम क्या कहेंगे ये ट्रू है क्योंकि ये दोनों सेट क्या है आपस में इक्वल है क्लियर यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स फाइव क्या है एक सेट है सेट को हमेशा क्या होना चाहिए सबसेट होना चाहिए तो देखिए सबसेट है किसका इसका और हमें पता है कि फाइव जो है वो हर सेट का सबसेट होता है तो ये बात भी क्या लिखी हुई है ट्रू लिखी हुई है क्लियर नेक्स्ट देखें ये अब एक सेट है लेकिन इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान देखें एक सेट ही हमें एलिमेंट के तौर पे दिया गया है तो एक्चुअली ये जो है ये इसका एलिमेंट है क्लियर और एलिमेंट हमेशा क्या करता है एलिमेंट या मेंबर जो है वो हमेशा बिलोंग करता है जबकि यहां पे उसने इसको क्या लिखा हुआ है सबसेट लिखा हुआ है तो ये हमारे पास क्या है फॉल्स है एलिमेंट हमेशा जो है वो क्या करता है बिलोंग करता है देखें यहाँ पे आगे उसने इसको ट्रू करके लिखा हुआ है ये हमारे पास एलिमेंट है बिलोंग करता है इस सेट से बिल्कुल क्लियर है कि ये एलिमेंट इसमें कंटेन कर रहा है तो हम लिखेंगे ट्रू ये इसका एलिमेंट है क्लियर दोनों बातें समझ में आ गई बहुत इंपॉर्टेंट है और इन दोनों में ही कंफ्यूजन होती है और पेपर में भी ये आते हैं नेक्स्ट देखिये ए बिलोंग्स टू अब क्या ये इसका एलिमेंट है एलिमेंट तो ये वाला है ऊपर वाला ये हमारे पास एलिमेंट है ये इसका एलिमेंट नहीं है बल्कि ये कुछ भी नहीं है ठीक है ये सबसेट भी नहीं है इसका तो इसको हम क्या लिखेंगे फॉल्स लिखेंगे क्लियर स्टूडेंट्स सेट के अंदर हमेशा आपने बाहर वाली दोनों ब्रैकेट्स को देखना है कि उसके अंदर क्या कंटेन कर रहा है क्या पाया जा रहा है क्लियर स्टूडेंट इसका एक पार्ट मैंने छोड़ दिया है वो आपके लिए होमवर्क है आपने खुद से सॉल्व करना है मूव करते हैं प्रॉब्लम नंबर है व्हाट तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था टू पावर एम तो यहाँ पे देखें हमारे पास कितने एलिमेंट हैं इसमें जीरो एलिमेंट है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा टू पावर जीरो इजिकल्स टू वन तो ये जो हमारे पास नंबर वन है इसमें कितने पावर सेट में इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे वन एलिमेंट आएगा नेक्स्ट देखें थ्री वाला वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो इसका फॉर्मूला क्या होगा टू पावर सेवन दैट इज इक्वल टू वन ट्वेंटी एट तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे स्टूडेंट्स वन ट्वेंटी एट एलिमेंट्स आएंगे नेक्स्ट देखें अब इसमें हमारे पास एक एलिमेंट ये है और एक एलिमेंट ये है क्लियर दो एलिमेंट है यहाँ पे तीन नहीं है दो एलिमेंट है क्योंकि ये सेट इट्स इसका क्या है एलिमेंट है तो कितने एलिमेंट हुए टू तो टू पावर टू डेट इज इक्वल टू फोर इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे फोर एलिमेंट्स आएंगे नेक्स्ट देखें ए बी बी सी डी ई हमारे पास एक एलिमेंट ये है एक एलिमेंट ये है और एक एलिमेंट ये है तो टोटल कितने एलिमेंट हुए थ्री एलिमेंट्स हुए तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या है टू पावर थ्री डेट इज इक्वल टू एट तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे एट एलिमेंट आएंगे क्लियर स्टूडेंट्स आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जी स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर नाइन राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इसका फर्स्ट पार्ट है पावर सेट हमने सीखे हैं अभी हमने फॉर्मूला भी पढ़ा है कि टू की पावर एम हमारे पास फॉर्मूला होता है यहाँ पे देखें कितने एलिमेंट है दो एलिमेंट है तो टू की पावर टू कितने पावर सेट आएंगे फोर पावर सेट आएंगे इसको हम नाम दे लेते हैं फर्ज करें ए का तो हम लिखेंगे पावर सेट ऑफ ए तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है कि एम पी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा फाइव आएगा ये आएगा नाइन नेक्स्ट है इलेवन और नेक्स्ट आएगा सेट इट सेल्फ नाइन एंड इलेवन और ये पावर सेट की ब्रैकेट क्लोज क्लियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन तो इसको मैं नाम दे लेता हूँ फर्ज करें एस का इस सेट को नाम दिया है एस तो पावर सेट ऑफ एस हमारे पास आएंगे ये पावर सेट वाली ब्रैकेट सबसे पहले आएगा फाइव वन टू थ्री फोर फोर है तो टू पावर फोर कितने आएंगे सिक्सटीन इसके पावर सेट बनेंगे नेक्स्ट आएगा प्लस नेक्स्ट, माइनस नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन फिर डिवीजन, चारों कंप्लीट हो गए फिर प्लस के साथ माइनस ले लें प्लस माइनस ये सारे क्या हैं, प्रॉपर सबसेट हैं फिर प्लस मल्टीप्लीकेशन प्लस मल्टीप्लीकेशन नेक्स्ट देखें फिर प्लस डिवीजन, कॉमा प्लस डिवीजन फिर नेक्स्ट देखें प्लस सबके साथ ऑपरेट हो गया अब माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन नेक्स्ट माइनस डिवीजन माइनस डिवीजन नेक्स्ट देखें दोनों के साथ हो गया फिर मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ये भी आ गया अब थ्री थ्री के प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन इसी तरह से प्लस माइनस डिवीजन प्लस माइनस डिवीजन यहां पे प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन भी हो गया प्लस माइनस डिवीजन भी हो गया प्लस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन प्लस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एंड माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन काउंट करें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन थर्टीन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन फिफ्टीन हो गए एक रह गया तो वो क्या है सेट इट सेल्फ बी है प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन और ये हमारे पास क्या आ गया इम्प्रॉपर सबसेट आ गया और ये हमारे पास जो पावर सेट वाली ब्रैकेट है वो क्लोज हो गए तो टोटल कितने हो 16 हो इसमें देखें एक हमारे पास सबसेट आएगा बाकी जो फिफ्टीन है वो सारे के सारे क्या होंगे प्रॉपर सबसेट होंगे क्लियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें अब यहाँ पे सेट के अंदर हमारे पास एक एलिमेंट है वो क्या है एम टी सेट है फाइव हम उसको कहेंगे सेट के अंदर एक एलिमेंट है तो टू पावर वन कितने बनेंगे टू बनेंगे तो देखें इसको मैं नाम दे लेता हूं फर्ज करें बी का तो मैं लिखूंगा पावर सेट ऑफ बी एक फाइव हर सेट का सबसेट होता है क्लियर और सेट इल्फ भी हमारे पास क्या होता है ये हमारे पास आ गया सेट इट और ये कंप्लीट हो गए तो पावर सेट ऑफ फाइव इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखें अगर सिर्फ एम सेट होता वो हम पहले पढ़ चुके हैं एम सेट का कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता इम्प्रॉपर ही होता है एम टी सेट अगर यहाँ पे होता सिर्फ ये हमारे पास आता तो इसका पावर सेट क्या होता अब हम इसको कहते पावर सेट ऑफ बी डेट इज क्या आता? सिर्फ और सिर्फ इसमें फाइव आ जाता और ये क्लोज हो जाता पावर सेट में एक एलिमेंट आता लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दिया गया है फाइव दिया गया है इसके अंदर तो फाइव का पावर सेट ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा पावर सेट ऑफ बी एक फाइव इट जो हमारे पास हर सेट का सबसेट होता है उसके बाद सेट इट भी हमारे पास आंसर में आएगा पावर सेट नेक्स्ट देखें, इसको मैं कह लेता हूं सी तो पावर सेट ऑफ सी दैट इज इक्वल टू क्या आएगा जी फाइव आएगा नेक्स्ट फर्स्ट एलिमेंट नेक्स्ट, सेकंड एलिमेंट। तो सेकंड एलिमेंट कैसे लिखेंगे जी ये हमारे पास आएगा बी सी क्योंकि ये एलिमेंट है इसलिए हमने सेट के ब्रैकेट में लिखा है हम जानते हैं कि पावर सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं इट सेल्फ होते हैं नेक्स्ट है जी कितने है वैसे एलिमेंट कितने वन और टू टू एलिमेंट हैं तो फोर बनेंगे वन टू थ्री आगे और सेट इट सेल्फ ब्रैकेट ए बी सी ये हमारे पास सेट इट सेल्फ आ गया और ये ब्रैकेट जो क्लोज हो गई ये पावर सेट की ब्रैकेट क्लोज हो गई क्लियर है यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी अल्लाह हाफिज